नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के मालपुए। तो चलिए देखते हैं हमने इनको कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने ली है 2 कप सूजी। ये जो सूजी है इसको मैंने मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लिया था, तो सूजी बिल्कुल बारीक लेनी है। और ये है दालचीनी पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून, और 1 चम्मच मैंने साबुत सौंफ ली है। आप सौंफ को पीस कर भी डाल सकते हैं। और 1/4 कप डाल रही हूँ इसमें मलाई। मलाई से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो मलाई आप ज़रूर डालिएगा। अगर ना डालना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना मलाई के भी ये बन जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई चीनी 1/2 कप। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो 1/2 कप से मैंने थोड़ा कम ही डाला है मीठा। अब मैं इसको दूध से घोल बनाऊंगी इसका। तो पहले हम थोड़ा दूध डालेंगे। दूध उबला हुआ है, कच्चा भी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में तो ये जब फ्राई होगा तो पक ही जाएगा, तो कच्चा या उबला कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका घोल तैयार करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। मीठा सोडा जनरल स्टोर पे इजीली मिल जाता है। अब उसको मैंने रख दिया 15 मिनट के लिए। अब यहाँ बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए 1 कप पानी लिया है मैंने, और 1 कप ही चीनी, क्योंकि काफ़ी पतली चाशनी बनेगी इसकी, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, और इसमें चाशनी में तार भी नहीं बनाना है। जैसे ही हमारी जो चीनी है मेल्ट हो जाएगी, हाई फ्लेम पर मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट होने के बाद केवल आप इसको 2 मिनट पकाना, बस चाशनी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर, हाई फ्लेम पे ही पका लेना, हल्की चिपचिप होने लग जाए बस। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए इसके लिए, तार वगैरह नहीं बनाना है चाशनी में। ये देखिए हल्की सी बस चिपचिप होने लग जाए, चाशनी थोड़ी ठंडी होती है तब भी गाढ़ी हो जाती है। तो चीनी मेल्ट होने के बाद केवल आपने 2 मिनट पकाना है। अब घोल को रखे हुए भी 10-15 मिनट हो गए हैं, तो घोल गाढ़ा हो चुका है। तो बाकी जो दूध बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। सूजी को आप चाहे बारीक सूजी हो चाहे मोटी हो, आप ग्राइंड करके ही लेना। अगर आप मोटी सूजी से बनाएंगे तो ये जब फ्राई करेंगे तो ये बिखर जाएगा। और घोल की कंसिस्टेंसी ध्यान से वीडियो में देख लेना, घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमारा घोल होना चाहिए। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के हम घोल डाल देंगे, और एक ही साइड में डालेंगे बीच में, तो ये शेप अपने आप ले लेगा। यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपने, कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो डालते के साथ ये बिखर जाएगा, जैसे बूंदी बूंदी बनती है, इस तरह से बिखर के बूंदी की तरह हो जाएगा ये। तो तेल हल्का ही गर्म होना चाहिए, और जब एक बार आप फ्राई कर लेंगे इसको तो हल्का सा तेल थोड़ा ठंडा होने देना टेम्परेचर, तब दूसरा पीस डालना, और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसको हमने फ्राई करना है। और एक साइड से इसका तेल निचोड़ कर हम एक साइड रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने सभी मालपुए बना लेंगे। अब मालपुए हमारे गरम हैं और चाशनी भी हल्की गरम है, तो एक एक मालपुआ डिप करते जाएंगे, और बस डिप करते ही हमने निकाल लेना है, क्योंकि मालपुआ हमारा जो बनाया है वो गरम है तो जल्दी से चाशनी सोख लेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि चाशनी भी हमारी हल्की गरम है। ज़्यादा देर रखोगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि हमने घोल में भी मीठा डाला है। बस 2-3 टिप्स हैं, ध्यान रखिएगा उसका, तो आप परफेक्ट मालपुए बना लेंगे। अब ऊपर से मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने नारियल का, जो नारियल होता है सूखा नारियल, उसको मिक्सी में पीस लिया है, उसी को मैं ऊपर से डाल रही हूँ। इसमें आप नारियल, बादाम, काजू, पिस्ता, गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं। जब प्लेटिंग करेंगे तो कुछ भी आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट में से। अब जिनको ज़्यादा मीठा खाना हो उनको ऊपर से आप इस तरह से चाशनी डालकर दे सकते हैं जब प्लेटिंग करेंगे। तो सूजी के मालपुए हमारे बनकर तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।